Hello everyone, this is Manji from Evidyati Church in Let's start question number 4, exercise 3.2. So, find the mode and medium of the data. अब आपको इसमें हमें median निकालना है और mode निकालना है. तो सबसे पहले अगर हमें median और mode निकालना है, so मैं इस data को arrange कर लूँगी ascending order में. So, we'll start with सबसे छोटा number इसमें से कौन सा है? That is 12. So, circle it, write down. 12. Then we have 12 one more time. Circle it. 12. Then we have 13. One more time. Then we have 14. 1. 2. 3 times. Then we have 16. And then we have 19. ठीक है? So, इसको हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में. अब इसके बाद क्या करना है, हम अपने मोड पे आ जाते हैं. सो मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार अकर होगा. सो इस पूरी यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें सबसे ज्यादा बार क्या हो रहा है, 2 times 12 2 times हो रहा है, 13 2 times हो रहा है, 14 3 times हो रहा है और 16 19 एक एक बार हो रहे हैं. सो 14 3 times हो रहा है, मतलब की मोड क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 14 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. सिंपल. देन वी हैव मीडियन. अगेन मीडियन मतलब मिडिल नंबर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है. या तो आप देख लोगे मिडिल नंबर कौन सा, और अगर समझ नहीं आता कि मिडिल नंबर कौन सा है, सो टोटल 9 है. 9 मतलब ऑड नंबर है. सो हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2 equals to 9 plus 1 upon 2 which will be 10 upon 2 which will be 5. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 उसका median हो गया. मतलब क्या है कि जो number 5th place पे होगा वो उसका median होगा. So 1 2 3 4 5, 5th place पे क्या है 14. So median क्या हो जाएगा 14. So question में क्या find करना था, mode और median, और हमने mode भी निकाल लिया, median भी निकाल लिया. ठीक है. So, this was about question number 4. Let's start question number 5.